नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके से हर फेस्टिवल करता है कुछ खास, तो हाल ही में आने वाला हमारा राष्ट्रीय पर्व यानी कि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को भी हम लोग कुछ खास कर रहे हैं, इस स्वतंत्रता दिवस को कुछ खास मना रहे हैं। हंगामा टाइम्स के संग आज़ादी के रंग में आपका स्वागत है एक बार फिर से। जैसे हम लोग लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से खास बातचीत कर रहे हैं इस 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे वो क्या कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं। तो लखनऊ के कुछ खास शख्सियतों से खास बातचीत कर रहे हैं इस 15 अगस्त को लेकर के। साथ में हम उनसे बात कर रहे हैं कि इस 15 अगस्त विशेष पे वो क्या विशेष तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके सभी को शुभकामनाएं देंगे। तो खास शख्सियत कड़ी में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं राजेंद्र गुप्ता जी, जो कि वैश्य समाज उत्तर प्रदेश शिमला परिवार से हैं और इसके संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। तो उनका वैश्य समाज उत्तर प्रदेश जो बहुत सारे कार्यक्रम करता रहता है और महिलाओं के लिए विशेष रूप से कार्य करता है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं को साथ में लेकर के चलता है। तो आज़ादी के रंग हंगामा टाइम न्यूज के संग की कड़ी में आज हमारे साथ में हैं राजेंद्र गुप्ता जी। तो पहले हम उनसे बात करते हैं कि शिमला से चल करके यहाँ लखनऊ में आए, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, तो शिमला से आ करके लखनऊ में कैसा लगा? आपका स्वागत है। मैडम, शिमला से आ करके हम इतने तेज तो नहीं थे जितने तेज मुझे लखनऊ वालों ने बना दिया, यानी कि लखनऊ का रंग आपके ऊपर चढ़ गया। हाँ, चढ़ गया। उसके बाद हमने समाज सेवा अपने मन में सोचा कि सब कुछ बेकार है, राजनीतिक भी बेकार है, अगर हम किसी समाज के काम आएंगे तो समझो सब कुछ हमने जीत लिया। सब कुछ पैसा नहीं होता है, समाज में एक दूसरों की मदद करना, बेचारे जो गरीब है बहुत लोग तरसते हैं कि उनको 10 रुपये की चीज़ लेने में बहुत हिम्मत से काम करते। तो इसलिए हमने सोचा कि क्या है, जैसे कभी कोई आता है खाने के लिए तो हम उनको पैसा नहीं देते हैं, हम उनको खाना ही देते हैं या कोई भी चीज़ है, कोई कहता है हमको चाय दे दो या कोई कहता है हमको ठंडक वगैरह है तो साल दे दो, हम ये चीज़ें दे देते हैं। त्यौहार में भी हम जगह जगह जाते हैं, इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं, उनसे राय लेते कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत है कि नहीं, अगर किसी को दिक्कत है जैसे दवाई की, सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई नहीं मिलती है सब, तो हम उनको कहते हैं ठीक है हम पहुंचा दे दो और हम दवाई मंगा देते हैं। हम मैडम दवाई मंगा करके इसलिए सील वगैरह निकाल देते हैं और पत्ते कैंची से काट देते हैं कि जैसे वो बेचे ना और अपने शरीर में लगे, नहीं तो बहुत लोग इससे नजायज फायदा उठाते हैं। सही कहा आपने, आप जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करते हैं, पैसा देकर के उनको आप और नाकारा नहीं बनाते हैं, आप उनको आगे क्यों मोटिवेट करते हैं और उनकी जरूरत जो चाहे खाने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे कंबल की हो, चाहे दवाई की हो, वो उनको उस चीज की जरूरत को दे करके उनकी जरूरत को पूरा करते हैं। तो ये बताइए 15 अगस्त की क्या तैयारी है जी? 15 अगस्त को पहली बात तो उस दिन 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और अपने बच्चों का बलिदान दिया था और साथ में अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाया था, पत्नी कितना मतलब खून बहाया था, तब जाके देश में आज़ादी मिली है। तो उसी के शुभ अवसर पर 15 अगस्त के दिन हम बच्चों को, मेधावी बच्चों को 85% से जिनके ऊपर, उनको हम सम्मानित इसलिए करते हैं कि जिससे एक दूसरों को देख के बच्चे अच्छे नंबर लाए और उनको भी सम्मानित किया जाए। ऐसे तो हर समाज अपने अपने होली मिलन में या अपने अपने प्रोग्राम में लोग सम्मानित करते हैं, मगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम पूरे उनको समाज को लेके चलते हैं। हमारा वैश्य समाज में एक ऐसी हमारी संस्था है जो पूरे समाज में, पूरे हिंदू समाज को लेके चलते हैं और साथ में आज़ादी के दिन यहाँ पर बच्चों का प्रोग्राम भी होगा और मतलब सब आज़ादी का त्यौहार मनाएंगे उस दिन, यानी कि एक भव्य कार्यक्रम करेंगे। आज़ादी किस तरह से हमें मिली, कितने बलिदानों के बाद मिली, कितनी माओं ने अपने बच्चों का बलिदान किया, कितनी सुहागनों ने अपने सुहाग का बलिदान किया, हमारी जो आज़ादी मिली वो कितने बलिदानों के बाद मिली, हमारे वीर जवानों ने खून को खून नहीं समझा, पानी की तरह उसे बहाया, उसके बाद हमें इतने बलिदानों के बाद
15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए थे, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक बने थे। तो सर ये बताइए, जैसे 15 अगस्त के लिए तो आपने काफ़ी तैयारी करी है, लेकिन आज जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो हमारे युवा हैं और बहुत सारे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिन्हें कहते हैं भारत देश के नागरिक, उन्हें 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में पूछो तो वो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस कह देते हैं, तो उसके बारे में क्या कहें जी? 15 अगस्त को 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और गणतंत्र दिवस में हमारा संविधान लागू हुआ था जी, इसलिए बच्चों को मालूम नहीं होता। जैसे अगर अभी बच्चों को हिंदी में आप पूछ लोगे कि 11 कितने होते हैं तो वो कहते कि हमको हिंदी में नहीं आता, इंग्लिश में आता है। तो अब देश का ऐसा वो विधान चला हुआ है जिसमें बच्चे जो है इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, हिंदी में कम ध्यान रख रहे हैं। और गणतंत्र दिवस के उसमें हम वो कई प्रोग्राम भी करते रहते हैं। जैसे अभी एक चीज़ मैं भूल गया था, कुछ सैनिकों को सम्मानित भी करेंगे इस 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त के दिन सैनिकों का सम्मान भी करेंगे। तो सर ये बताइए, जैसे कि आप तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सर्व समाज को लेकर के चल रहे हैं, तो चलते चलते हम आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि इस 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, राष्ट्रीय पर्व, सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को ये शुभकामनाएं देता हूँ कि सब अपने अपनी जगह पर समाज सेवा करते हुए कमाई के साथ या राजनीतिक के साथ अपनी समाज सेवा भी करते जाए, जैसे बच्चों का उत्साह बढ़े, बच्चों का उत्साह बढ़े। हाँ, उत्साह बढ़े। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवक राजेंद्र गुप्ता जी, वैश्य समाज उत्तर प्रदेश शिमला परिवार से, जो कि सर्व समाज को लेकर के चलते, अनेकता में एकता की मिसाल के जीते जाते एक उदाहरण है, जो सर्व समाज को लेकर चलते, ना वो जाति देखते हैं, ना पात देखते हैं, वो सिर्फ देखते हैं क्या है, हिंदुस्तानी देखते हैं और भारतवासी देखते हैं, और लोगों के अंदर क्या क्षमता है और क्या उनके अंदर गुण है जो आगे बढ़ करके देश की उन्नति में अपना योगदान देंगे। तो ऐसे ही लोगों से हम बातचीत कर रहे खास शख्सियत में, क्योंकि लखनऊ में कुछ ऐसे खास लोग हैं जो इस पर्व को कुछ और खास बनाते हैं, अच्छा कार्यक्रम करके या अच्छा मैसेज दे करके। तो ऐसे ही हम 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस में भी खास कर रहे हैं आजादी के रंग हंगामा टाइम न्यूज के संग। तो हमारे हंगामा टाइम न्यूज संघ के तो संग में हमारे बहुत से लोग जुड़ेंगे, आप ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ में, लखनऊ की और खास शख्सियतों से हम आपको रूबरू करवाएंगे आजादी के जश्न में। तो इसी के साथ में अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ में, और ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि 15 अगस्त जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है उस पर हम लोग क्या खास कर रहे हैं। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।